हेलो एंड वेलकम टू द सीएससी स्मार्ट। मैं हूं रविराज सिजाल और आप सभी का स्वागत है सीएससी स्मार्ट में। तो दोस्तों, आज हम जो है एक नया बोन जो कि हमारा एक रिवीजन लेक्चर का पार्ट ईसीएल के लेक्चर्स में जो है वो प्रेस हो गया था कहीं ना कहीं, तो आज मैं वो ट्राई करूंगा कन्वे करने की। तो आज का टॉपिक है कैरेट एंड स्टिंक बोन। यस, आप सभी को पता है बट आपको समझ में नहीं आता व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दी कैरेट एंड स्टिक बोन। कहीं ना कहीं जो है वो पढ़ाने वाले फैकल्टीज़, पढ़ाने वाले जो कि टीचर्स है, वो ही जो कन्वे नहीं कर पाते कि एग्जैक्ट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दी कैरेट एंड स्टिक बोन। तो बहुत ही यूनिक वे में और बहुत ही गुड एग्जाम्पल में जो है मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ कैरेट एंड स्टिक बोन। तो अब तक सब्सक्राइब नहीं की चैनल तो यहाँ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी चैनल, ताकि CSES और LLB के रिलेटेड सारे के सारे जो वीडियो आपको यही एक एक प्लेटफॉर्म पर मिलते रहे, और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात करूँ पास्ट ईयर्स की, तो दोस्तों पुराने जो कि ख्यालात वाला कोई मैनेजमेंट था, तो बिफोर गोइंग टू एग्जैक्ट द कैरेट एंड स्टिक बोन, मैं बात करना चाहता हूँ कैरेट एंड स्टिक मैनेजमेंट के बारे में कुछ, फिर आप लोग समझ जाएंगे एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो इसके लिए ही मैं कैरेट एंड स्टिक मैनेजमेंट आपको समझाने की ट्राई करूँगा। तो उस मैनेजमेंट में होता क्या था दोस्तों, तो कैरेट एंड स्टिक मैनेजमेंट में होता था जो कोई भी लोग अपना काम सही तरीके से, सही ढंग में, सही टाइम में जो पूरा करते थे उसको मिलता था रिवॉर्ड। उस रिवॉर्ड को बोला जाता था कैरेट। और जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी पर्सनल उसको जो है वो नहीं फुलफिल कर पाता था अपनी ड्यूटी एट द सेम टाइम, तो उसको मिलती थी स्टिक, यानी कि द पनिशमेंट। तो इन द पास्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट, देर वर अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड द कैरेट एंड स्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट, जहाँ पर जो सही काम करते हैं सही टाइम में, और फॉर एग्जाम्पल 200 यूनिट प्रोडक्शन का करना था, फॉर एग्जाम्पल पेन का प्रोडक्शन करना था 200 यूनिट का, और सिर्फ दो दिन में अगर वो कर लिया जाता था तो उसको रिवॉर्ड मिलता था, अगर नहीं कर लिया जाता था, जो कोई अलग डिपार्टमेंट में अलग काम था तो वो नहीं कर पाते थे, तो उसको मिलती थी पनिशमेंट यानी कि स्टिक। कैरेट एंड स्टिक का एग्जैक्ट मीनिंग आपको प्राइमा फेसी मीनिंग पता चल गया, फिर उसको लिंक करेंगे एग्जैक्ट मॉड्यूल की लैंग्वेज में, क्योंकि CMSL की मॉड्यूल की लैंग्वेज ही चलती है CMSL में, CS के एग्जाम पेपर में। तो एग्जैक्ट एग्जाम पेपर में मॉड्यूल की लैंग्वेज क्या है वो भी आपको मैं साथ ही साथ बता दूंगा। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है कि कैरेट का मतलब रिवॉर्ड है एंड स्टिक का मतलब पनिशमेंट। वो कैसे बॉन्ड में अप्लाई करता है और कैसे अप्लाई होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। उससे पहले देख लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। तो यहाँ पर जो कंपनी है वो इन्वेस्टर के ऊपर चढ़ी बैठी है, वो बॉन्ड दिखाती है एक, उसमें जो रिवॉर्ड भी है उसमें जो पनिशमेंट भी है। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो आइए देखते हैं एक नए पिक्चर्स के साथ। तो दोस्तों ये देखिए, जालिम कंपनी अपने इन्वेस्टर को रिवॉर्ड भी एक कुछ दिखाती है, बाद में से वो स्टिक भी घुसा देती है। तो क्या है ये बॉन्ड, क्यों लेते हैं इन्वेस्टर, सारी की सारी डाउट मैं सॉल्व कर दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो पूरा का वीडियो देखिए। तो यहाँ पर अब एग्जैक्ट बात करेंगे CMSL की मॉड्यूल की, तो मॉड्यूल की लैंग्वेज क्या है मैं पढ़ता हूँ, इसमें एग्जैक्ट कैसे अप्लाई होती है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चला जाऊँगा। तो कैरेट रिफर्स टू दी रिवॉर्ड एंड स्टिक रिफर्स टू दी पनिशमेंट। यस, तो कैरेट का मतलब मॉड्यूल में क्या लिखा है ये मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको बताता हूँ, याद भी रखना है। तो कैरेट रिफर्स टू अ लोअर कन्वर्जन प्रीमियम, और कन्वर्जन प्रीमियम की बला क्या है मैं आपको बता दूँ, तो कन्वर्जन प्रीमियम मतलब कोई भी कन्वर्जन होता है इक्विटी शेयर में, कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट है उसका हमें कन्वर्जन करवाना होता है इक्विटी शेयर्स में, तो वहाँ पर लगता है कन्वर्जन प्रीमियम। तो इस टाइप ऑफ जो कैरेट एंड स्टिक बॉन्ड है, तो यहाँ पर बेनिफिट मिलता है इन्वेस्टर्स को, वहाँ पर मिलता है बेनिफिट ऑफ लोअर कन्वर्जन प्रीमियम एट द कंपेयर टू द अदर
इंस्ट्रूमेंट, तो जो कि अलग इंस्ट्रूमेंट है इसके अलावा, केराटिन स्टिक बोन के अलावा जो इंस्ट्रूमेंट है, तो वहाँ पर कन्वर्जन प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं, तो नाम के कन्वर्टेबल है वो फ्री में कन्वर्ट नहीं कर देते दोस्तों। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूँ, वहाँ पर लगता है कन्वर्जन प्रीमियम, अगर वो आप देने से मना कर दे तो आपका जो है वो कन्वर्जन नहीं पॉसिबल, वो रिडीम हो जाएगी डिबेंचर। तो अब तक आपको पता नहीं था कि कन्वर्जन प्रीमियम लगता है, तो आप ये माइंड में रखिए कि हर एक इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने के लिए कन्वर्जन प्रीमियम देना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड है कैरेटन स्टिक बॉन्ड, वो कन्वर्ट हो सकता है इक्विटी शेयर में एट लोअर कन्वर्जन प्रीमियम। बात आई समझ में, कैरेट रिफर्स टू इट, कैरेट की बात हो गई। तो कैरेट की एग्जैक्ट मॉड्यूल लैंग्वेज में आपको बता दूँ, द कैरेट इज द लोअर देन द नॉर्मल कन्वर्जन प्रीमियम, दैट इज प्रीमियम्स ओवर द प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स मैंने बताया था, इक्विटी शेयर्स इज फिक्स एट द रीजनेबल लेवल सो दैट द प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स नीड नॉट टू बी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली टू द मेक अ कन्वर्जन प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल करने के लिए जो ये किया जाता है। तो एग्जैक्ट मीनिंग है कैरेट का पता चल गया। अब आते हैं स्टिक की ओर, अब आती है बात स्टिक की। स्टिक रिफर्स टू व्हाट? तो स्टिक रिफर्स टू राइट ऑफ इश्यूअर, इश्यूअर बोले तो कंपनी। स्टिक्स रिफर्स टू राइट ऑफ इश्यूअर, इश्यूअर बोले तो कंपनी, टू कॉल हिट्स कैरेट एंड स्टिक बॉन्ड एट एनी टाइम विथ प्रीमियम। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, ये मैंने मॉड्यूल की ही लैंग्वेज बोली है, ऐसे ही आपको लिखना है। कितने भी मार्क में पूछा जाए आपको सिर्फ दो ही बात लिखनी है कि कैरेट एंड स्टिक का मतलब क्या होता है। कैरेट का मतलब आपको समझ जाना है कि ये कैरेट का मतलब है जो है रिवॉर्ड इज इन लोअर कन्वर्जन, लोअर, दो ही शब्द अब दिख जाएगी आपके पेपर के आंसर में, लोअर कन्वर्जन प्रीमियम और स्टिक रिफर्स टू राइट टू इश्यूअर टू कॉल। ये दो ही शब्द जब आपके पेपर चेकर देख जाएगा पूरे के पूरे मार्क दे देगा, फिर कितने भी मार्क का क्वेश्चन क्यों ना हो। तो स्टिक रिफर्स टू राइट टू इश्यूअर, इश्यूअर का राइट टू कॉल, यानी कि अब मैं बता दूँ स्टिक की बात। स्टिक में क्या होता है, स्टिक में क्या होता है मैं लिखकर बता देता हूँ। तो यस, इट्स स्टिक रिफर टू राइट टू इश्यूअर टू कॉल बैक By paying such a premium। तो दोस्तों इसका drawback यानी कि punishment क्या है, कंपनी को जब चाहे तब, फॉर एग्जाम्पल एक ईयर के लिए कैरेट एंड स्टिक बॉन्ड इश्यू किया था, बट कंपनी को अब लगता है आफ्टर द पासिंग वन मंथ और टू मंथ कंपनी को लगता है अब जो कि अपना इंटरेस्ट नहीं देना है फालतू में, हमारे पास इनफ पैसे है, तो कंपनी एट एनी टाइम दो दिन के बाद ही, इश्यू के दो दिन के बाद ही जो है वो कॉल का एक्सरसाइज कर सकती है ऑप्शन। तो कंपनी के पास है ऑप्शन टू कॉल एनी टाइम, जो कैरेट एंड स्टिक बॉन्ड इश्यू किया होता है वो कभी भी किसी भी समय जो है कंपनी वापस ले सकती है। अगर बात रही कन्वर्जन की, अगर आपने कन्वर्ट कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, बट विद इन द वन मंथ जो आपने कन्वर्जन नहीं किया है, आपने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है, आपके पास कैरेट एंड स्टिक बॉन्ड वैसे का वैसा ही पड़ा है, तो कंपनी एट एनी टाइम जब उसे लगता है उसके एक डिस्क्रिमिनेशन पावर पर वो कभी भी अपना जो कैरेट एंड स्टिक बॉन्ड है वापस ले सकती है। तो यहाँ पर बट वापस लेने समय भी वो एक स्पेसिफाइड प्रीमियम देती है। आपको बोले कि इसमें तो बेनिफिट ही कुछ नहीं है, तो बेनिफिट एक कैरेट है, फिर कॉल बैक कर लेती है, कॉल बैक यानी कि टू बाय बैक, तो बाय बैक कर लेती है तो वहाँ पर भी प्रीमियम देती है, बट प्रीमियम को यहाँ पर जो है वो बेनिफिट नहीं माना जाता, वो ले लेती है, तो ले लेने की एक पनिशमेंट यहाँ पर दिखाई गई है। तो कैरेट रिफर्स टू अ लोअर कन्वर्जन प्रीमियम। दोस्तों कैरेट रिफर्स टू लोअर कन्वर्जन प्रीमियम और स्टिक रिफर्स टू राइट टू इश्यूअर टू कॉल बैक हिज कैरेट एंड स्टिक बॉन्ड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो दो बातें आपके पेपर में पेपर चेकर देखता है तो पूरे के पूरे मार्क देने की एग्जैक्ट चांसेस है। तो ये था मेरी ओर से कैरेट एंड स्टिक, एग्जैक्ट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कैरेट एंड स्टिक बॉन्ड। तो यहाँ पर भी ऐसा ही एक मॉड्यूल की लैंग्वेज आपको मैं बात बता दूँ, तीन ही बात लिखनी है, कोई भी
कैरेट एंड स्टिक बॉन्ड पे पूछे क्वेश्चन कितने भी मार्क का हो ये भी लिखना है। आप मॉड्यूल में थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक दो पॉइंट आपके जो है वो अलावा लिख सकते हैं। तो अनदर वेरिएशन ऑफ अबोव इंस्ट्रूमेंट इज अ कैरेट एंड स्टिक बॉन्ड, दी कैरेट इज लोअर देन। तो यहाँ पर लैंग्वेज नहीं स्टूडेंट को समझ में आती कि कैरेट यानी कि कहना क्या चाहते हैं, आखिर कहना क्या चाहते हो। तो कैरेट मीन्स, यहाँ पर मीन्स लिखा होता तो शायद स्टूडेंट समझ जाते, बट तो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर कैरेट इज लोअर देन मार्केट प्राइस का, लोअर देन नॉर्मल कन्वर्जन प्रीमियम। तो कन्वर्जन प्रीमियम का बेनिफिट मिलता है यहाँ पर। और स्टिक रिफर्स टू द इश्यूअर्स राइट टू कॉल बैक द इश्यू एट द स्पेसिफिक प्रीमियम इफ द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स आर ट्रेडेड अबव द स्पेसिफिक प्राइस। और ये लोग जो है वो ऐसे कैरेट एंड स्टिक बॉन्ड क्यों लेते हैं और कौन इश्यू करता है ये भी मैं बात आपको बता दूँ। आप सोचोगे ऐसा कुछ कर सकते तो क्यों लेंगे भाई कोई, तो रिलायंस ने जो कि 2-3 साल पहले ऐसा कैरेट एंड स्टिक बॉन्ड इश्यू किया था और बहुत सारे लोगों ने इसका एक्सरसाइज भी किया था। तो जो भी कंपनी के शेयर इजीली अवेलेबल नहीं होते, जिस भी कंपनी के और जो भी कोई कंपनी है उसके शेयर अच्छे वाले शेयर और जनरली अवेलेबल नहीं होते, तो इन्वेस्टर इस टाइप के जो है वो कैरेट एंड स्टिक बॉन्ड खरीदता है और एट लोअर प्रीमियम, लोअर कन्वर्जन प्रीमियम पर जो है वो उसका कन्वर्जन करवाता है इक्विटी में और उसका इक्विटी शेयर होल्डर बन जाता है और जो है वो कंपनी को भी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही कैरेट एंड स्टिक बॉन्ड इश्यू किए जाते हैं, लिए जाते हैं और एग्जैक्ट मीनिंग क्या है मैंने वो बता दिया। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो रिलेटेड टू CA and CS, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द लॉ, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग, शेयर इट विथ योर फ्रेंड एंड लाइक, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नए वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।